दयालु राजकुमार। एक फैले हुए हरे भरे रेगिस्तान के पार एक पर्वत था और उसके नीचे थी एक घाटी और घाटी के पार था एक विशाल समुद्र और उस समुद्र के किनारे एक खुशहाल राज्य बसा था। एक बहुत ही शानदार और भव्य संसार जिस पर राज्य करते थे एक राजा और एक रानी। वो अपनी प्रजा की तरह ही बहुत खुश थे और उनकी खुशी का पारावार ना रहा जब रानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया। मेरा बेटा, वो एक राजा बनेगा और अपने माता पिता की तरह दयावान होगा और उसकी प्रजा उसे प्रेम करेगी। मैं इसका नाम रखता हूँ राजकुमार दयावान। सालों गुजर गए, राजकुमार दयावान बड़ा हुआ एक सुंदर नौजवान के रूप में और वह अपने नाम की तरह ही दयावान था। ये तुम्हारा 21वां जन्मदिन है और तुम्हारी माँ और मैं इससे अधिक गौरवान्वित नहीं हो सकते कि तुम एक सज्जन पुरुष के रूप में बड़े हुए हो। मुझसे मांगो बेटा, मुझसे कोई भी चीज मांगो। पिताजी, मैं यात्रा पर जाना चाहता हूँ। राज्य की जिम्मेदारी संभालने से पहले मैं पूरी दुनिया देखना चाहता हूँ। कृपया मुझे जाने दीजिए पिताजी। पर बेटे, तुम उसे वो करने दो जो वो चाहता है। मेरे बेटे ने कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा और मैं उसकी 21वीं सालगिरह पर उसे मना भी नहीं कर सकता। ओ धन्यवाद पिताजी। तो इस तरह दयावान ने अपने माता पिता की आशीष ली और एक नौकर को साथ लेकर अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ से निकल पड़ा शाही घोड़ों पर। उन्होंने हफ्तों यात्रा की, यहाँ तक कि कई महीने तक। महाद्वीप की सभ्यता के बारे में कई बातें सीखी, पर आप साफ बता सकते थे कि वो सेवक निराश हो चुका था और वो घर वापस जाना चाहता था। यदि महाराज नजारा देखने से संतुष्ट हो गए हों, तो क्या मैं सुझाव दे सकता हूँ कि हम अपने राज्य में वापस चलें? क्या नहीं जूडस, हमें और यात्रा करनी है और बहुत कुछ देखना बाकी है। अब एक दिन जब राजकुमार एक सुनसान खेत से घोड़े पर सवार जा रहा था, उसने अचानक एक बाज को देखा जो एक खरगोश के पीछे पड़ा था। बेचारा खरगोश बाज के नुकीले पंजों द्वारा पकड़ा ही गया था, लेकिन राजकुमार ने ध्यान पूर्वक एक पत्थर से उसकी ओर निशाना लगाया और उसे भगा दिया। राजकुमार दयावान, धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। जान लीजिए कि आपने एक खरगोश को नहीं पर एक राजकुमारी को बचाया है जो एक अदृश्य राजा की पुत्री है। मेरे पिता हमेशा अपने ऋण चुकाते हैं और मेरी जान बचाने के लिए वो आपके ऋणी है। जब भी आपको कोई जरूरत पड़े या किसी किस्म की मुसीबत आए, बस ये कहिए, ओ अदृश्य राजा मेरे बचाव के लिए आइए। और ये कहकर वो खरगोश तेजी से भाग गया, झाड़ियों में गायब हो गया। राजकुमार दयावान हक्का बक्का रह गया। क्या ये बस मेरी कल्पना थी या वो खरगोश सचमुच हमसे बात कर रहा था? मैं तो बस यही देख सकता था कि खरगोश आपको घूर रहा था और आप उसे घूर रहे थे। मेरे ख्याल से ये यात्रा आप पर भारी पड़ रही है। आप चलो घर चले। नहीं, हम आगे जाएंगे। और इस तरह उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। गहरी नदियों को पार करते हुए, विदेशों से गुजरते हुए, सात घाटियों से, और अंत में वो आए इस महान हरियाले मरुस्थल में जहाँ देखने को कुछ नहीं था सिवाय आसमान और हरे बालू के। वहाँ सूरज एक ईर्ष्यालु पड़ोसी की तरह चमक रहा था। मुझे बहुत प्यास लगी है। हमारे पास बिल्कुल पानी नहीं बचा है। देखो, राजकुमार और सेवक ने रेगिस्तान के बीचों बीच एक खाई देखी और उसकी तरफ गए और उनकी खुशी की सीमा ना रही जब उन्होंने देखा वो एक कुआं था जो स्वच्छ पानी से भरा था। पर एक समस्या थी, कुआं बहुत गहरा था। केवल एक ही तरीका है, हम में से एक को नीचे जाना होगा, क्योंकि मैं आपसे कहीं ज्यादा वजनदार हूँ, इसलिए महाराज के हाथ मुझे थाम नहीं पाएंगे। मेरा सुझाव है कि आप रस्सियाँ पकड़ें और मैं आपको कुएं में नीचे उतारूंगा। अच्छी बात है। तो राजकुमार दयावान कुएं में नीचे गया, उसने वो ठंडा पानी पिया और अपने सेवक के लिए भी ले लिया। मेरा काम हो गया, अब मुझे ऊपर खींचो। सुनो राजकुमार, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी सुनते सुनते कि मुझे क्या करना है। अब तुम्हें मेरा सेवक बनने के लिए राजी होना होगा। तुम्हारी जगह मैं राजकुमार होऊंगा। तुम सहमत हो वरना मैं तुम्हें डुबो दूंगा। राजकुमार दयावान अबाक रह गया।
पर अपने इस सेवक की आवाज से वो जान गया कि वो मजाक नहीं कर रहा। ठीक है जुडास, मैं सहमत हूँ। मैं इस झांसे में नहीं आने वाला। मुझे ये लिखित में दो। ये लो, जैसा मैं कहूँ वैसा लिखो। इस पत्र का धारक राजकुमार दयावान है और उसके साथ जो यात्रा कर रहा है वो उसका सच्चा सेवक जुडास है। राजकुमार ने वही किया जैसा उससे कहा गया और अंत में उसे कुएं से बाहर खींचा गया। फिर उन्होंने अपने कपड़ों की अदला बदली की और अपने सफर पर रवाना हो गए। एक हफ्ते बाद वे एक सुंदर राज्य में पहुँचे जो बहुत सन्नाटे से घिरा था, जैसे कोई भयंकर तूफान आने वाला हो। जब वे महल में पहुँचे, जुडास ने अपना घोड़ा राजकुमार दयावान को दे दिया और कहा, अस्तबल में जाओ और वहाँ रहो, मैं राजा से मिलने जा रहा हूँ। जैसा आप कहें स्वामी। मैं राजकुमार दयावान, रोज वैली राज्य का राजकुमार, आपके पास आया हूँ आपकी बेटी का विवाह में हाथ मांगने के लिए, जिसकी सुंदरता और बुद्धिमता पूरे संसार में जानी जाती है। यदि आप स्वीकार करते हो तो आप जिएंगे, यदि नहीं तो हम इसे युद्ध द्वारा तय करेंगे। तुम एक राजकुमार की तरह बातें नहीं करते हो, पर शायद तुम्हारे राज्य का यही तौर तरीका हो। एक बात बताऊं, एक शक्तिशाली शत्रु हमारे राज्य की तरफ बढ़ रहा है अपनी असंख्य सेना के साथ, और हम उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हैं। अब अगर तुम मेरा दामाद बनना चाहते हो तो फिर उन्हें हराओ और मेरी बेटी तुम्हारी हो जाएगी, वरना हमारी किस्मत में जो भी लिखा है हमें वही मिलता है। इसीलिए तुम्हारा राज्य इतना फीका लग रहा है। तुम्हें एक बात बताऊं, कल सुबह तक तुम्हारे प्रदेश में एक भी शत्रु नहीं बचा रहेगा। जुडास सीधे राजकुमार दयावान के पास गया, जो अपनी वीरता, बल और चतुर युद्ध रणनीति के लिए जाना जाता था। वो जानता था उसे पत्र लेने के लिए राजकुमार कुछ भी करेगा। तुम वो पत्र वापस चाहते हो, है ना? क्यों, बेशक मैं चाहता हूँ। फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। जुडास ने राजकुमार को बताया कि वो क्या चाहता था और उसके बदले में वो उसे वो पत्र देगा। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ी सेना है। और इनाम भी तो बहुत बड़ा है, है ना? और कोई चारा ना देखते हुए दयालु राजकुमार ने अपना योद्धा का अस्त्र पहना, अपने घोड़े पर सवार हुआ, नगर की दीवार से बाहर गया और एक ऊंची आवाज में पुकारा, ओ अदृश्य राजा, मेरे बचाव के लिए आओ। और तुरंत ही बादल गड़गड़ा उठे और उनके बीच से चीरते हुए एक शानदार घोड़ा प्रकट हुआ, जिस पर बैठा हुआ था एक लंबा चौड़ा शख्स। वो था एक अदृश्य राजा। तुमने मेरी बेटी को बचाया था और मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। मांगो, मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। जरूर, लेकिन क्या आपको अदृश्य नहीं होना चाहिए? केवल उनके सामने जिन्हें मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देखें। चलो बोलो। राजकुमार दयावान ने अदृश्य राजा को सब कुछ बता दिया, जिसने गंभीरता से सुना और फिर कहा, ये जादू की तलवार लो और सेना पर बाएं से हमला करो, और मैं अपने सुनहरे सवारों वाले घोड़े से उन पर दाएं से हमला करूंगा। दोनों तरफ से एक वार और पूरी सेना धराशायी हो जाएगी। और इस तरह दोनों ने सेना पर हमला किया। बाएं से सिपाही लकड़ियों की तरह गिर रहे थे और दाएं से जैसे पूरा का पूरा जंगल। एक घंटे से कम में ही पूरी सेना गायब हो गई और वो जो बच गए थे वो भाग गए। मैंने अपना ऋण चुका दिया है, चलो अब हाथ मिलाएं और एक दूसरे को अलविदा कहें। उन्होंने दोस्ताना अंदाज में हाथ मिलाए और अदृश्य राजा और उसका घोड़ा लाल ज्वाला में बदल गए और जैसे हवा में गायब हो गए। राजकुमार दयावान एक मुस्कुराहट लेकर अस्तबल में वापस आया। फिर उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई, क्योंकि वो जानता था कि समय आ गया है कि वो अपने योद्धा का अस्त्र उतारे और सेवक के कपड़े पहने। ये मैंने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है। मुझे जुडास पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। उसने मेरा नाम लिया, मेरी पदवी ली और अब राजकुमारी से शादी करने वाला है झूठा रूप धारण करके, और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे पत्र वापस करेगा। जब राजकुमार स्वयं में ये अफसोस कर रहा था, उसने नहीं जाना कि राजकुमारी मैना, जो अपनी खिड़की पर खड़ी थी और उसमें दूर तक सुनने की क्षमता थी, उसने सब सुन लिया। वो पहले सकते में आ गई और फिर वो मुस्कुरा उठी। ये कितना सुंदर है।
अगली सुबह बूढ़े राजा ने जब अपने शत्रुओं के बारे में सुना, उसे बहुत खुशी हुई और उसने अपनी बेटी की सगाई की घोषणा राजकुमार दयावान से कर दी, जो झुडास था। पर फिर राजकुमारी मैना खड़ी हो गई और अपने पिता को वो सब बातें बता दी जो उसने सुनी थी। ऐसा है क्या? असली राजकुमार को बुलाओ। तो इस तरह राजकुमार दयावान को बुलाया गया। क्या तुम ही हो असली राजकुमार? पर राजकुमार दयावान ने जवाब नहीं दिया। हैं? वो क्या जवाब देगा? मेरे पास सबूत है। लो, आप खुद पढ़ सकते हो। और ये कहते हुए उसने राजा को दस्तावेज पकड़ाए जो उसे पढ़ने लगा और काफी उलझन में पड़ गया। क्या तुम्हें यकीन है कि यही वो दस्तावेज हैं? ओह हाँ। दस्तावेज में लिखा है, इस दस्तावेज का धारक झूठा और दगाबाज सेवक है राजकुमार दयावान का, जो क्षमा मांग रहा है और एक न्यायिक सजा की उम्मीद करता है। ये नोट उसे कुएं में दिया गया था राजकुमार दयावान के द्वारा, जो अब सेवक के कपड़े पहने हुए है। क्या क्या यही लिखा है इसमें? तुम खुद ये पढ़ सकते हो। पर मैं पढ़ नहीं सकता। इस पर राजा और राजकुमारी हंसे। राजकुमार दयावान मुस्कुराया, क्योंकि दयावान होने के साथ साथ वो होशियार होने का महत्व भी जानता था। वरना ये लालची दुनिया हमेशा फायदा उठाने की कोशिश करती है। जुडास उस दगाबाज को सलाखों के पीछे डाल दिया गया और बूढ़े राजा ने घोषणा की कि उसकी बेटी का विवाह राजकुमार दयावान से होगा। खैर, उनका विवाह तुरंत नहीं हुआ। वो दुनिया भर में घूमे और कुछ महीनों तक उन्होंने कुछ साहसिक यात्राएं की और अंत में कटनी के मौसम की शुरुआत में दोनों वैवाहिक बंधन में बंध गए। और उस विवाह में बाकी सभी मेहमानों के बीच एक विशेष मेहमान आया, ऐसा मेहमान जिसे सभी नहीं देख सकते थे सिवाय राजकुमार दयावान के।